I guess this is Siddhan back with another video, and this is video number 2 of review series of colleges. Aaj kul mila ke 20 videos is channel pe aane wale about the 20 different review of 20 different colleges. So this review is all about IHM Gwalior. So zyada time nahi waste karte hue jaldi se matter ke andar ghuste hain bhai. So criteria is bilkul same hone wale hain, environment, infrastructure, placement, and the last but not the least, teachers. So pichli video ki tarah hi जिसमें हमने IHM भोपाल का रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए. बट बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब भाई. सब्सक्राइब कौन करेगा? बेल आइकन कौन दबाएगा यार? बताना पड़ेगा क्या? तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड नेक्स्ट टाइम. ओके, सो टॉकिंग अबाउट IHM ग्वालियर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वालियर जगह कैसी है. देखो, भोपाल और ग्वालियर में कोई ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस आपको नोटिसेबल नहीं रहेगा. Both the places are really good. I have been to Gwalior. It's a very nice city. Moreover, polluted नहीं है इतनी. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्वालियर के बारे में. ग्रीनरी मैंने देखी है. एंड IHM की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से शैलो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंफ्रास्ट्रक्चर आई बिलीव नॉट ए ग्रेड, बट स्टिल बी ग्रेड तो है. ऐसा नहीं कि मतलब खराब है. अगर मैं 10 में से उसको मार्क दे रहा हूँ, so I will still give it 7 marks as an IHM for its infrastructure. Now coming back to the placement, which is one of the most important criteria, jiski taraf bahut sare log tuk-tuk laga ke dekhe honge, bhaiya placement kaisi hai college ki, kyunki placement matter karti hai end of the day. So haan, tak placement ki baat karta hu, to recent mein IHM Gwalior ko Taj ne ban kar diya. Ye ek story badi samne aayi meri, to is story ke upar thoda sa baat kar leta hu. Asa dekho, ye bahut temporary block hota hai, कॉलेजेस इसको फिगर आउट कर लेते हैं, तो इसकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है. अच्छा, अब प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ. तो जितने भी मध्य प्रदेश में टॉप होटल ब्रांड्स हैं, वो IHM ग्वालियर में डेफिनेटली आते हैं. सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. यू विल डेफिनेटली आ गेटिंग अ 5-star प्लेसमेंट. बहुत सारी कंपनीज IHM ग्वालियर में आती है, और मोर ओवर IHM ग्वालियर की रैंकिंग्स हैव बीन इम्प्रूविंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स. दैट्स व्हाट आई थिंक. ओके, सो ये पूरी बात हो गई IHM ग्वालियर के प्लेसमेंट के बारे में. लास्ट आती है टीचर्स फैकल्टीज. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट जो रिव्यू मुझे थोड़ा बहुत पता चला है उसके हिसाब से टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं भाई. मतलब यहाँ पे अटेंडेंस का लोचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं दे पा रहे, तो उनके हिसाब से जो IHM में पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से फैकल्टीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है. क्या स्ट्रिक्टनेस बुरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आप IHM करने आए, आपको डिसिप्लिन चाहिए, तो स्ट्रिक्टनेस तो अच्छी बात थी. तो दिस वाज ऑल अबाउट IHM ग्वालियर. आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स व्हिच यू वर लुकिंग फॉर, फ्रॉम प्लेसमेंट, फ्रॉम फैकल्टीज, टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू द एनवायरमेंट. यू गॉट एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज. दिस वाज सिद्धांत मिश्रा. आई एम श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो. अगर यहाँ तक टिके हो तो भाई लाइक द वीडियो, एंड वंस अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल ब्रदर. We are way near to 500 mark. So let's get to the 500 mark. This was Siddhant.